हेलो गाइस, स्वागत है आपका रितिका ब्लॉग में। कैसे आप सभी? शाम की प्यार भरी गुड इवनिंग। शाम के 7:30 बजे हैं गाइस और मैं अपना ब्लॉग अब से शुरू कर रही हूँ। और दिन में मैं बना नहीं पाई थी ब्लॉग, मैं थोड़ी बिजी थी क्योंकि मेरे ससुर जी जा रहे थे गांव, तो फिर पापा की तैयारी कर रहे थे गांव जाने की। फिर पापा को खाना वाना बना कर दिए, गाड़ी में के लिए खाना बना कर दिए, पापा की तैयारी किए। पापा 2 बजे तक हमारे चले गए खाना खा के, और रास्ते में खाना गाड़ी में के लिए लेके चले गए। ये देखिए गाइस, बाबू क्या कर रहे, क्या कर रहे हो? उसको मारो मत, कृतिका को देखिए तो क्या कर रहा है, लग रहा है मार रहा है बाबू। मार रहे हो क्या? मोटर की आवाज आ रही है ज्यादा। क्या कर रही हो? मोबाइल चला रहे हैं। फोन चला रहे, सॉरी फोन चला रही हो? हाँ मोबाइल चला रहे, सही बोली थी। चला देखे तो बाबू क्या कर रहा है। क्या कर रहे हो बाबू? कृतिका अंदर आओ, रात हो गई है ना। देखे गाइस हमारे शाम के 7:30 बज रहे हैं। गाइस को सॉरी बोलो। गाइस क्यों, क्या सॉरी बोलेगी? क्योंकि देखिए पता नहीं कैसा कागज लिया है, अंदर कागज को अगर अन्नू डाबर मैम को दे दूंगा। बोल रही सुन, अन्नू डाबर मैम बोली, देखो कुछ बोल रही है। क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं देखो, अंदर आ बाबू, अंदर आ, दे दो उसको, दे दो इसमें। अरे कुछ नहीं लिखा है, डरा रहा है भैया। इसमें कागज में पता नहीं क्या ऐसे ले लिया है, बोल रहा है कि इसमें मैंने तुम्हारी मैम के लिए शिकायत लिखी है। अब ये कृतिका इसके डर के मारे हवा टैंक छोड़ के भाग रही है। कुछ नहीं लिखा है भैया उसने, मत डरा करो। ये गलती नहीं करोगी ना, कोई गलती नहीं करोगी ना। ठीक वेरी गुड है। हमारे पापा जल्दी चले गए क्योंकि गाँव पे उनको कुछ काम था, और मम्मी भी नहीं आई थी, तो मम्मी नहीं रहती है तो पापा का हमारे मन नहीं लगता है यहाँ पर, इसलिए हमारे पापा चले गए जल्दी। फिर हमारे मम्मी पापा दोनों लोग आएंगे काम पर, क्योंकि हमारी ये जो छोटी वाली देवरानी है ना, इनका गुड न्यूज है। 5 मंथ हो गए इनका, तो पापा मम्मी इनका अगस्त तक है, तो डिलीवरी तो आएंगे पापा मम्मी, तब कुछ दिन रहेंगे, और इसलिए हम दिन में ब्लॉग ही नहीं बना पाए, दिन में टाइम ही नहीं मिला। पापा हमारे जा रहे थे, बाबा जी पहुंच गए होंगे ना बाबू? हाँ बाबू, बाबू कौन से, अच्छा हाँ कौन से ट्रेन से गए थे बाबा जी? मुझे भी नहीं पता है, पूछा नहीं था पापा से। क्या कर रहे हैं? इनका थोड़ा दिन चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा दुखी हैं ये। 4 महीने बीत गए, अब 5 महीने बाद इनके खुशी के दिन आ जाएंगे। अभी इनको हर चीज़ महक रही है, सब्जी महक रही है, और इनको तेल महकती है, रिफाइन महकती है, शुद्ध घी महकता है, नाक ऐसे बंद कर लेती, और कुछ खाती भी नहीं है सब्जी घी वगैरह। आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि सब्जी वब्जी खाया करें। देखिए और इस शुरू से सब्जी खाने में थोड़ा सा है, ऐसी सारी सब्जियाँ नहीं खाती हैं ये। सब्जी खाओगी मैम? कौन सी? सारी सब्जी खाऊंगी। आज कद्दू की बनी है, खाएंगे कद्दू वाली? हाँ खाऊंगी, खाऊंगी। ठीक है मैं ब्लॉग बनाऊंगी, देखती हूँ खाती हूँ कि नहीं। ठीक ऐसे ब्लॉग में बोल रही है कि खाऊंगी, इसके बाद ना जब कोई नहीं देखेगा तो 2 रोटी लेगी और उसको दही के साथ किसी चीज़ के साथ खा लेगी। अब बोलेगी हाँ मैंने सब्जी खा ली, ऐसे करती है। देखिए अभी हंस रही है, झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। देखिए झूठ बोलेगा, कमेंट में आप लोग बताइएगा।
और दीक्षा ऊपर बच्चों का कपड़ा आयरन कर रही है, ऊपर जाना पड़ेगा तब दिखेगी सभी। इनसे भी मिलवाते हैं आप लोगों को। यहाँ ये दोनों, तुम लोग क्या कर रहे हो? आई एम राइटिंग समथिंग ओवर हियर। कृतिका को चिढ़ाना मत बेटा। नो नो, मैं नहीं चिढ़ाऊंगा। आई उनको भी दिखा कर आती हूँ क्या कर रही हैं। ये हमारी ये वाली लाइट खराब हो गई है, तो यहाँ पे लाल वाली लाइट इन लोगों ने लगा दी है। बच्चों का कपड़ा आयरन कर रही थी। ये क्या कर रही थी? तुमको भी कर ब्लॉग में ये देखे। अब ना क्या कर रही हो? आज दिन में ब्लॉग नहीं बना पाए थे, पापा हमारे जा रहे थे तो उनकी तैयारी कर रहे थे जाने की। हो गए कपड़े आयरन? अच्छा, लिख रहे हो? मत लिखो। ओके, मैं उसका नहीं लिखता। किसका लिखते हो? उसका नाम लिख लिख के डरा रहे हो कि डर जा रही है? क्या नाम में लिख रहा है भैया? उसको फेंक दिया। बाबू मानोगे कि नहीं? ए, इसका नाम है क्या? ए, इसका नाम है क्या? लिख रहे हो? डर रही है, सोच रही है, तुम कंप्लेन लिख रहे हो उसकी मैडम को? हाँ बाबू। अच्छा सुन, इधर भैया कुछ नहीं लिख रहा है, वो मैम के पास थोड़ी जाएगा, तू डर मत। इधर सुन, नहीं नहीं कुछ नहीं करेगा बच्ची, कुछ नहीं करेगा। मामा पे विश्वास है ना? सुनो, मामा पे विश्वास है ना, है कि नहीं है? भैया कुछ नहीं लिखा, भैया कुछ मत लिखना। मामा पे विश्वास है कि नहीं? है ना बोलो, है ना? क्यों डर रही है? क्योंकि भैया यही लिखता है जो इसमें है। अरे क्या लिखा है? कुछ नहीं लिखा, दिखा दिखा क्या लिखा है? तुम्हारी तुम डर रही हो तो डरा रहा है वो, ये सोच रही है कि इसका कंप्लेन लिख दे रहे हो तुम। कुछ नहीं लिखा है भैया, लिखता है। ऐसा मैम थोड़ी है, मैम अपने भैया कल के स्कूल में अपने जाएगा, क्लास ज्वाइन करेगा, तुम्हारे से कंप्लेन करने जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, समझी? डरेगी डरेगी कृतिका, फोन दिखाना। ओ खाना खा लो। गला खराब कैसे हो गया? सिरप पी है ना तुमने, ठीक हो जाएगी। खाना लेके आओ। गाइज मैं जा रही हूँ बाबू के लिए अब रोटी बनाने। मैं यहाँ लेके आ गई हूँ बाबू के लिए खाना, देखे कद्दू की सब्जी और रोटी। मेरा बाबू खाने वाला है, खाओगे ना बाबू? खाओगे ना? खा लो। यहाँ मेरा बाबू खा रहा है। और लो कुल्ला, अच्छी तरह करो। खाना खाने के बाद बाबू मेरा कुल्ला करते हैं गाइज, इस तरह से। तुम लोग क्या कर रही हो? क्या कर रही थी मेरे बारे में? खाना खाने के बाद तुम लोग कुल्ला करने? अभी नहीं, बाय बाय। बाबू की बाय बाय हो गई है, मेरी बाय बाय अभी बाकी है। मैं एडिटिंग नहीं करूंगा इसके बाद गाइस, इस वजह से सभी गाइस जान जाएंगे बाबू एडिटिंग करता है। मैं इसके बाद एडिटिंग, मैं थोड़ी थोड़ी, मेरे को भी आती है पर ज्यादा बाबू को आती है। गाइस गाइस बाय। मैं भला बाय बोलूंगी? बाय गाइस, बाय बाय। देखो गाइस, गाइस हमने खाना पीना खा लिया है, अब हम दूध पियेंगे। बाबू मेरा देखिए सोने के लिए परेशान हो गया, दूध अभी तुमको दे रही हूँ, दूध देंगे इसके बाद एडिटिंग करेंगे, इसके बाद हम लोग सो जाएंगे। गाइस मिलते हैं सुबह। तब तक बाबू क्या करते हो? परेशानी देखिए सैतान है ना, आप इसे कमेंट में इसकी शिकायत करिएगा कि बाबू अच्छा नहीं है मेरा। गाइस आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, गुड नाइट, राधे राधे।